रबड़ी है, रबड़ी है, मलाई है, केसर है, बादाम है। कितने दिनों से चल रहा है? 100 साल हो गया। 100 साल बनारस के अंदर ऐसा पहलवान जी जैसा लस्सी कोई नहीं देने वाला आदमी। संकट मोचन के दो इसलिए मशहूर होते हैं, बेसन के लड्डू लोग खोए के रात पे पहलवान लस्सी है। सुबह एक लैंडमार्क है। पहुंच चुका है संकट मोचन हनुमान मंदिर। आप देखो यहाँ पर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे आपको। यहाँ पर पीछे मेरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ अलग सा रूल है कि आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते, मतलब आपके पैकेट में फ़ोन नहीं होना चाहिए जब आप मंदिर के अंदर जा रहे हो। इन्होंने बताया भैया फ़ोन ले जाना मना है यहाँ पे। फ़ोन और चमड़े का कोई भी चीज़ आप नहीं ले जाते मंदिर के अंदर में। ये लाल पेड़ा और ये लड्डू संकट मोचन के दो ही मशहूर होते हैं, बेसन के लड्डू लोग के रात। और ये लड्डू है यहाँ पर। ये सर आप कम से कम 10 दिन तक खराब नहीं होगा। ये आज का ताज़ा है ना भैया? एकदम फ्रेश मिलेगा। बिक्री है डेली का डेली। हाँ फिर तुलसी जी वो तुलसी पत्ता भी चाहिए था। और ये लाल पेड़े हनुमान जी को प्रिय हैं पेड़े। काल भैरव बाबा, काशी विश्वनाथ धाम मंदिर, माता अन्नपूर्णा, संकट मोचन, बिंदु माधव माता संकट का ये दरबार अधिक। आप देख सकते हो मेरे पीछे पहलवान लस्सी जो वाराणसी का काफ़ी फेमस लस्सी का शॉप है। यहाँ पर आपको आती होना लगे आगे। तो ये कितने दिनों से चल रहा है पहलवान? 100 साल हो गया। 100 साल पुरानी लस्सी की दुकान। आप देख सकते हो 100 साल पुरानी लस्सी की दुकान। ये जो लस्सी आप देख रहे हो यहाँ पर बन रही है लस्सी। और ये पूरा दही है जमा हुआ, दही है, ये रबड़ी है, ये लस्सी है बना हुआ है, लस्सी है, रबड़ी है, मलाई है, केसर है, बादाम है। तो डालिएगा पूरा जगह। लोग आते हैं पीने के लिए काफी दूर दूर से। और ये बहुत बढ़िया लस्सी मिलता है, बहुत बढ़िया। हाँ समझ लीजिए कि बनारस के अंदर ऐसा पहलवान जी जैसा लस्सी कोई नहीं देने वाला आदमी। कैसा लग रहा है भैया टेस्ट इसका? बहुत बढ़िया भैया। आप लोग पहली बार ट्राई करें या पहले कर? नहीं नहीं भैया बहुत बार खा लिया। गर्मी में पूरी गर्मी लोग पीते हैं लस्सी। हाँ रोज यहाँ पर भैया डाली हुई है रबड़ी। रबड़ी का टेस्ट मैं तो दही कुछ दिनों से नहीं खा रहा हूँ, दही का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए भैया बताएंगे टेस्ट। आपको बताइए। अरे यार प्लीज़ भाई खा, एक ले लो आप भी भाई, ये तो अमृत लग रहा है, अमृत। बस भाई अब कैमरा से दूर करो, आपको पीने दो। ये पता क्या लग रहा है? समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था ना वही लग रहा है भाई। मतलब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है लस्सी। ऐसे चम्मच में डालकर रबड़ी या दही जब आए हनुमान जी की लस्सी है जो कि पूरे बनारस में फेमस है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली लस्सी है। सबसे पुरानी दुकान आपको ये लस्सी की है यहाँ वाराणसी में, जो कि 100 साल पुरानी है। आप समझ सकते हो 100 साल इनके दादा पर दादा लोग ये दुकान को चलाते थे और अभी भी ये दुकान चल रहा है। तो आपको अंदर भी दिखाएंगे अंदर में क्या क्या। अच्छा ये मालनी मस्ती जी है। अच्छा ये मालनी मस्ती जी सोनू निगम है और इतनी सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आके ये दुकान में विजिट करके यहाँ पर लस्सी पी चुके हैं। यहाँ बदाइए में चावल रखता है, कोली है, कंडक्टर है, निगम जी है। क्या 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 बोले? लस्सी का मतलब आज समझ में आया। अरे देखो ये है लस्सी वाराणसी। ये रविदास गेट लंका और वहाँ लस्सी है खुद ही एक लैंडमार्क डायरेक्ट सीधे ऑटो वाले से बोलिए सीधे आएगा पहलवान लस्सी को ले आएगा आपको डायरेक्ट। मतलब स्टेशन से अगर आप आ रहे हो तो सीधा आपको पहलवान लस्सी ऑटो वाले को कहना है, वो सीधा लेके आपको इनकी दुकान पे आ जाएगा और आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं यहाँ की पहलवान लस्सी। तो भाई चलिए भैया ने ख़त्म कर लिया। कितना कितना हो गया भैया बिल? 30 रुपीज़। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ये बनारस का जो पहलवान लस्सी के जस्ट सामने में एक और पहलवान लस्सी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं लॉन्ग लत्ता, एक तरह का ये मिठाई है, बहुत प्यारा मिठाई है। इस पे इसका नाम इसलिए है ना कि इसमें ना जो लॉन्ग होता है ना इसमें लगाया जाता है और ये बहुत टेस्टी होता है। तो बस उसी को खाना है, देखना है, और इसमें लौंग का जो टेस्ट आता है बहुत ही प्यारा। बस सब देखिए तो बाकी मैं टेस्ट करने वाला था लेकिन मैं बहुत इतना ज़्यादा आज खाया है मैंने बाहर का, मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है। तो सामने वाले भाई साहब खाने वाले और लौंग और ये मैदे का बना हुआ मैदा है, खोआ लौंग और मैदे का बना हुआ होता है ये लौंग लत्ता। मैं ट्राई करके आपको टेस्ट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, परफेक्ट है, मीठा और खोआ परफेक्ट स्वाद आ रहा है और लौंग भी भरा हुआ है पूरा। देख रहे हो गाइस बहुत फेमस है। आप भी बनारस आए तो बनारस आने के बाद यहाँ पर सीधा आ जाए आप पहलवान लस्सी, और यहाँ आने के बाद आप ये लौंग लत्ता ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। मलाई ये फिर मलाई गुला ये मतलब हर चीज़ मतलब मज़ा आ जाए। ये गुलाब जामुन पड़े हैं एकदम गर्म और इसमें देखो भाई खोआ पूरा डला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा खोआ डला हुआ है, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। सब पूरा खा रहे दबा के, खाते खाते पूरा पसीना पसीना हो गया लेकिन तो भी लास्ट बाइट ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।